जय हिंद। देखिए ब्रेसलेट और स्मार्ट वॉच, इसको कैसे बनाया इसका फुल वीडियो अभी आप लोगों को डिटेल्स में दिखाएंगे। इस चांदी का ब्रेसलेट को बना के स्मार्ट वॉच के साथ फिट किया कैसे, तो आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, पूरा वीडियो देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर आ रहा है सफेद कलर का, वो प्योर चांदी, इसमें एक ब्रेसलेट बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। निकल गया, नाइटी का वेस्ट निकल दिया। ये देखिए ये चांदी है, ये पूरा प्योर चांदी, तो इसमें से आप लोगों को एक ब्रेसलेट बनाकर दिखाएंगे। तमका पा, ये सब चांदी है। देखिए जो चांदी है उसका भी सुखाएंगे, तो अच्छी तरह से सुखा लेंगे, फिर गिला के आप लोगों को दिखा, इस मूछी में डाल के और गिलाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे। इसका भी गिलाएंगे, ये सुहागा है, इसको थोड़ा दे देंगे इसके अंदर। देखिए अभी गल गए है, पानी में डालेंगे। चांदी है, इसका भी लंबा करेंगे, इसका भी तार बनाएंगे। एक 8 इंच ब्रेसलेट बनाएंगे, 8 इंच ब्रेसलेट बनाने के लिए 8 इंच × 8, 1 इंच ब्रेसलेट में 8 इंच तार चाहिए, तो 64 इंच तार बनाएंगे टोटल। पहले मशीन में 40 इंच तार बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को दिया। अभी 40 इंच तार बनाएंगे मशीन में। देखिए 45 इंच हो गया, तो 19 इंच कम है, तो इसको थोड़ा सा, इसको जब राउंड करेंगे तबे 19 इंच बराबर हो जाएगा। थोड़ा सुई जैसा बनाएंगे, बारीक जैसा बनाएंगे, क्यों इसके अंदर जाने के लिए। देखिए फिर डाल के फिर इसको चौरा से राउंड करेंगे। ये देखिए ये सब जंती है, इसके अंदर से डाल के फिर इसको राउंड करेंगे। इसको देखिए 180 के अंदर जा रहा है। दो टुकड़ा हो गया, ये देखिए 20, 20, 40, और ये 1 इंच हो गया, 1 इंच बाद से देखिए 60 इंच, फिर देखिए 64 इंच, 5 इंच हो गया। गर्म करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तार है, इसमें इस डाई से निकाला, तो जोंती से निकाला, तो 180 × 2, ठीक है 360, ये देखिए 365। ये दो तार जिस गेज में आएगा 9 गेज, और एक 16 भी, देखिए 9 गेज पड़ेगा, और इसको उल्टा करेंगे, ये देखिए 366, एक 17 गेज कॉपर का तार, और इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए कॉपर का तार इसके अंदर डाल दिया, इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसके अंदर डाल देंगे कॉपर का तार अंदर डाल के, फिर इसके अंदर ऐसे करके फिर अभी स्प्रिंग बनाएंगे। देखिए 2 पीस स्प्रिंग हो गया, इसका भी गर्म करेंगे। पानी है सब बराबर काटने के लिए ऐसे मार्क लगाएंगे, ऐसे स्ट्रेट नहीं काटेंगे, थोड़ा राइट की तरफ घुमा देंगे ऐसे, और मुख को जॉइंट करेंगे, बराबर जॉइंट होगा, ठीक है। दो प्लस लेके फिर ऐसे पकड़ना पड़ेगा इसको ऐसे करके। ऐसे करना पड़ेगा, पहले ऐसा था, फिर ऐसे काट के ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। पहले एक कानी लेना पड़ेगा, एक कानी ले लिया, फिर इसको ऐसे करके फिर इसको इसके अंदर ये डाल दिया। देखिए कैसे हो गया, फिर एक लेंगे, फिर देखिए ऐसे डाल के फिर इसको अंदर ऐसे डाल देंगे, फिर और एक लेंगे, और एक लेके ऐसे करके फिर इसके अंदर डाल दिया। देखिए फिर एक सोलाई लेंगे, इसके अंदर डालेंगे सोलाई, देखिए 290 का सोलाई लेंगे, अंदर डालेंगे, देखिए
ऐसे करके इसके अंदर डाल दिया, तो फिर इसको ऐसे ही बनाएंगे। और एक कनी लेके फिर पहले इसके अंदर डाल के ये जो कनी है इसका साथ जॉइंट होगा, ये दूसरे का साथ दूसरा का नहीं, जिसका मुख उसके साथ ही जॉइंट होगा, ठीक है। तो फिर इसको जॉइन कर देंगे। ऐसे करके ही पूरा बनाएंगे, थोड़ा राइट की तरफ घुमा के काटने के लिए क्यों बोला, देखिए मुंह बराबर जॉइंट हो जाता है। देखिए पहले इसके अंदर डाल देंगे, फिर एक एक करके मुंह जॉइंट करेंगे, फिर थोड़ा दबा दबा के प्लस से सही करना पड़ेगा। इसका अच्छी तरह से मुंह जॉइंट करना पड़ेगा, देखिए जो इसका मुंह है वो फिर इस सेंटर पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्वेलिंग का टाइम जॉइंट हो जाएगा। जब स्वेलिंग करेंगे तो किसी के साथ किसी का जॉइंट नहीं होगा, एक एक कन्नी का मुख उधर ही जॉइंट होगा। तो जो भेस्ट है चेन का, इसका भी स्वेलिंग का टांका बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितने ग्राम है, 2 ग्राम है, 30 मिलीग्राम है 2 ग्राम से, ठीक है। सब जिंक है, 1 ग्राम में 200 मिली जिंक देंगे, तो अभी 2 ग्राम है 400 मिली जिंक देंगे। देखिए हो गया गिला के, फिर स्वेलिंग टांका बनाएंगे, ठीक है। देखिए अभी सारे चेंज हो गया, तो अभी आप लोगों को अपना फिनिश करके दिखाएंगे, इसका भी स्वेलिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, इसको भी गर्म कर लिया, अभी नॉर्म हो गया, फिर ज्वाइन कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा गैप है, इसको फिर सही करके पूरा इसका मुख भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सोयाबा और बड़ी बड़ी पाउडर, तो इसका जो स्वेलिंग मुख है इधर थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। जिंक और प्योर चांदी से और टांका बन गया, ठीक है। कर लेंगे लिए बारीक बारीक करके काट लेंगे, इसको भी स्वागत लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे, इसको केडीएम टांका को ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। जो पानी है उसको लाल करेंगे थोड़ा, फिर इस पानी ऊपर केडीएम को देखिए ऐसे घुमा घुमा करके। दस मिनट है, पूरा स्वेलिंग हो गया, ठीक है। घुमा के फिर ऐसे करेंगे, इसका भी फिटिंग करेंगे इधर। देखिए अभी जो सुलाई है इसको अभी निकाल लेंगे, इसका भी गर्म करके थोड़ा सीधा कर लेंगे। ये जो चांदी है इसको पाद बनाएंगे इधर कलेक्ट करने के लिए।
स्मार्ट वॉच को इसमें अभी फिटिंग करेंगे इसको। ब्रेसलेट अभी टोटल 7.5 इंच रखेंगे, ठीक है। ये स्मार्ट वॉच है तो इसमें जो हाथ में लगाएंगे तो अब ये स्टार्च होना चाहिए, नहीं तो इसमें वो सेंसर लगा हुआ है, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके जो पिन है इसको इधर फिटिंग करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर इसको डाल के फिर इसका मुख बंद कर देंगे बाद में। अब इसको स्वेलिंग करके इसके साथ फिटिंग करेंगे पहले। अब इसको पॉलिश करके फिटिंग करेंगे। फिर अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, भैया फिर आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। रखा है पानी और सल्फर, और ये पानी है नॉर्मल पानी, लाला है, इसको अभी ये साबित करेंगे फिर इसको पॉलिश करेंगे। इधर काला है और ये देखिए सफ़ेद हो गया, ठीक है। तो इसको अभी पॉलिश करेंगे, सफ़ेद कलर हो गया पूरा। ये देखिए ब्रेसलेट है, इसको अभी लोगों को वेट करके दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।